साल 1954 की बात है, 52 यात्री के साथ एक फ्लाइट जर्मनी से ब्राजील की उड़ान भरती है। 18 घंटों का यह सफर था, लेकिन महीने निकल गए, वो फ्लाइट कभी लैंड नहीं हुई। लोगों ने ये मान लिया था कि नीला आसमान उस फ्लाइट को निगल चुका है और उसका कोई पता नहीं चल रहा था। इस बात को सब लोग भूल गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपको हैरानी में डाल सकता है। ठीक 35 साल बाद साल 1979 में वो फ्लाइट ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड करती है। वहाँ की अथॉरिटीज पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर बाद में फ्लाइट लैंड होने के बाद कुछ लोग फ्लाइट में जाकर देखते हैं। उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। उन्होंने ये देखा कि यात्रियों के कंकाल चेयर्स पर बैठे हुए हैं। जब वो कॉकपिट के तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर भी पायलट का कंकाल पड़ा हुआ था। अब सवाल ये आता है कि पायलट का भी कंकाल पड़ा है तो फ्लाइट लैंड कैसे हुई? टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, लेकिन अब भी ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है।